इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक खड़गे, राहुल और प्रियंका लेंगे चुनाव। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हुए इंडिया गठबंधन की आज यानी 19 दिसंबर को चौथी बैठक राजधानी दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में भाग लेने के लिए अलायंस ने सभी दलों के प्रमुख एवं नेता राजधानी पहुँच गए हैं। इस बीच बैठक से पहले बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में लोकसभा में किस पार्टी को कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने चाहिए यानी सीट शेयरिंग पर बात होने वाली है। इस पर चर्चा होने से पहले बीते दिन कांग्रेस आला कमान ने यूपी के नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें प्रदेश के नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व को कुछ सुझाव दिए हैं। खबरें हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने राहुल, प्रियंका एवं खड़गे को आगामी आम चुनाव में लड़ने को कहा है। राय ने कहा कि राय बरेली से सोनिया गांधी तो चुनाव लड़ेगी ही, लेकिन इस बार चुनाव में पार्टी को बेहतर प्रदर्शन करना है तो तीनों वरिष्ठ को भी मैदान में उतरना होगा। वहीं इन सब के अलावा इस मीटिंग में ये भी बात हुई कि अलायंस में पार्टी चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन यूपी में 80 सीटों में पार्टी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती आई है कि जिस प्रदेश में जो भी पार्टी जितनी मजबूत है वो उतने सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिस पर कांग्रेस पार्टी को डर है कि कहीं सपा पंजे पर भारी न पड़ जाए, लेकिन कांग्रेस अभी इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। दिल्ली में बीते दिन की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है। यूपी कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस को सपा को बताना चाहिए कि वो कितनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। साथ ही कुछ ऐसी शहरी सीटें हैं जिस पर साल 2004 और 2009 के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। इन सब के अलावा बैठक में यूपी कांग्रेस ने शीर्ष नेतृत्व के सामने कहा है कि प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स एक होकर पार्टी से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सपा को उन सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ने देना चाहिए जिनमें मुरादाबाद, सहानपुर, पूर्वांचल की मऊ और गाजीपुर जैसी अन्य मुस्लिम बहुल सीटें हैं जिस पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। कांग्रेस के लिए यूपी में सपा तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस चुनौती बनी हुई है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही संदेश दे चुकी है कि वो कांग्रेस के साथ अलायंस करती है तो उसे महज 2 सीटों पर चुनाव लड़ने देगी।